गुड मॉर्निंग बच्चों, देखिए हमारी कनक हिंदी व्याकरण निगम रचना, इसमें हम पाठ 11 गतिविधियां इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं पिछले 2 दिन से। अब ये देखिए, इसमें हम गिनती सीखेंगे। बच्चों ये पाठ 12 है, पर मैंने इसे पाठ 11 इसी में ऐड कर दिया है। ये है हमारी संख्या, तो हिंदी में हम आज गिनती सीखेंगे। जैसे इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों हिंदी के ये अंक किस तरह से बनते हैं, चलो अब हम समझते हैं। पहले से एक बार और पुनः पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम हिंदी के अंक सीखें। एक मीन्स वन, दो टू, तीन थ्री, चार फोर, पांच फाइव, छः सिक्स, सात सेवन, आठ एट, फाइव थ्री एट, नौ फाइव फोर, नाइन दस, फाइव फाइव टेन दस। तो ये है बच्चों, ऐसे ही 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी आप 20 तक गिनती सीखेंगे, क्योंकि अभी आप छोटे हैं। तो अब मैं एक एक अंक बताऊंगी आपको कि ये किस तरह से बनाएंगे हम। तो अब हम शुरू करते हैं एक अंक बनाना कि हिंदी में हम अंक कैसे बनाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले गिनती में एक माने वन। तो देखिए अब हम वन कैसे बनाएंगे। अब हमें एक वन बनाना है। जैसे ये है इंग्लिश का वन, और हिंदी में ये देखिए थोड़ा बड़ा बताती हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि आप इसको थोड़ा टेढ़ा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, आप इसे सीधा भी बना सकते। और पास से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए बच्चों, और पास से इसे हम ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं। यदि हम इसे ऐसे बनाएंगे तब भी गलत नहीं होगा। इंग्लिश का वन ऐसे, ओनली एक ऐसे लाइन, और इसमें एक गोल गुंडी लगती है। तो ये है एक, क्या है एक, देखिए वन, ये है एक। कैसे बना, ऐसे। अब है टू, ये देखिए बच्चों ये टू, इसे इंग्लिश में कैसे बनता है आप ऐसे बनाते हैं, इसकी डंडी ऐसे गई है, और हिंदी में आप ऐसे बनाए। तो ये है हमारा दो, ठीक है। इसी तरह से अब हम सीखेंगे तीन, थ्री,
तीन। इसे भी जो इंग्लिश का बनता है थी, इसी तरह से इसमें एक गुंडी लगा देनी है। थ्री हो गया, तीन। तीन बनाना सरल है ना बच्चों। अब है फोर, इंग्लिश का फोर ऐसे चार, तो हिंदी में क्या कहते हैं चार, इसको हम ऐसे बनाते हैं। ये देखिए फोर बनाया आपने, इसको ऐसे लाए, दिखाई दे रहा है, या आप इसे सीधा भी ला सकते हैं, ऐसे क्रॉस लगाया और इसे ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, ऐसे दिखाई दे रहा है आपको। तो ये है फोर। अब है हमारा पांच, फाइव। पांच चंद्रबिंदु इसमें। अब ये देखिए फाइव, इसे आपने ऐसे बनाया जैसे हम चंद्रबिंदु बनाते हैं, फिर इसमें ऐसे लगा दिया। एक बार फिर से देखिए, ऐसे और इसे ऐसे कर दिया, तो ये बन गया हमारा पांच। अब आया बच्चों सिक्स, छह। ये क्या लगे इसमें विसर्ग। इसका प्रयोग हम ह की तरह करते हैं, मैंने पहले बताया था आपको, तो इसे क्या बोलते हैं हम, ये ह भी लगा सकते हैं और ये ह लगा कर भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये छह कैसे बनेगा आप देखिए, यही बना जैसे ये लिखा है उसी, उल्टा थ्री। उल्टा थ्री बनाया आपने, उसमें एक गुंडी लगा दी, कैसे सिक्स, उल्टा थ्री बनाया आपने और एक गुंडी लगा दी उसमें, ठीक है। अब है सेवन, सात। सेवन कैसे बनेगा बच्चों, जो इंग्लिश का सिक्स होता है, ये देखिए दिखाई दे रहा है, इसी तरह से इसे थोड़ा सा ज्यादा राउंड करना है, सात, ऐसे ऐसे। ये सी अल्फाबेट बनाया आपने और इसे राउंड कर दिया, सात। सात के बाद क्या आता है, आठ। आठ तो बहुत इजी है, देखिए एक लाइन बनाई है आपने और उसमें सी बना दिया, ऐसे ऐसे। एक बार फिर से देखिए, ऐसे, ये मैं आपको इजी वाला बता रही हूं, एक तरह से और बनता है बट आप ऐसे ही सीखिए। आठ। अब आया नौ, नाइन। नौ, नो नहीं, नौ। जैसे आपने एट बनाया उसमें एक ऊपर भी लगा दी, ये बन गया नौ। ये एट बना के एक ऊपर भी लगा दी, तो ये हो गया बच्चों नौ। और ये है लास्ट टेन, दस। जैसे एक बनाया था हमने और एक जीरो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। अब हम दस से ऊपर वाली गिनती सीखते हैं। बच्चों जब इन्हें आप बार बार लिखेंगे तभी आपको आएगा ग्यारह, इलेवन, ग्यारह। क्या करना है, दो वन बना देंगे ऐसे, इसी तरह ट्वेल्व, बारह,
इसमें क्या करना है, एक वन जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं 1 to 12, ये है 13 means 13, 13, इसमें भी एक वन बनाना है और 3 बनाना है, ये है 14, 14, ये 1 और ये 4, 14, ठीक है, 14, 15, 15 अंक की बिंदी आई, द्र द में ये क्या लग रही है, पदीन की मात्रा, 15, एक बनाया आपने और 5 बना दिए। इसी तरह से 16, 17, 18, 19, 20। तो देखा बच्चों आपने, 16, 16, जब आप 1 से 10 तक सीख जाएंगे तो आप आगे की बड़ी आसानी से लिख लेंगे, 17, 18, 19 और ये 20। तो सीखी गिनती आपने, इसका बच्चों बार बार प्रयास करेंगे, लिखेंगे इसे, तभी आपको अच्छी तरह से आएगी। इसीलिए आप इसे अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए लिख लिख के। धन्यवाद।